हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा बहुत ही मजेदार होगा। तो टाइटल है क्रेजी अंग्रेजी बाय अमित बधाना। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। बुलंदशहर वाली बहन के लड़के की बस आने वाली है, मैं तू गया नहीं अभी तक। डैड चला जाऊंगा ना, पहले मैं अपना फेस पैक सुखा लूं। मामा जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते भांजी, आ गया तू। मामी को भी नमस्ते है। अरे बेटा नमस्ते। मामा मामी के नालायक लोंडे को भी नमस्ते। भांजी ये कौन? ये श्रीमान मेरे मित्र का है, जो मात्र 32 मिनट पहले मुझे मामा जी तुम इंटरव्यू बोल रहे हो यार, कुछ खिला दो। अरे हाँ, आजा तेरा अपनी घर, आजा आजा आजा। बोला मामा का घर छोटा है, दिल को इतनी बड़ा है। हमारे गांव में तो तालाब है ना, वहाँ में जो काई जम जाए है, तो काई उखाड़ के लगा दी मुँह में। अरे भाई सर, डिटेन कह रहे हैं। तो यार सुनिए, मैंने तू डिटेन क्या हुए भाई, तू कैसे करेगा SSC का एग्जाम? उसमें तुझे पता हो एक पेपर इंग्लिश का भी हो गए, थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में कुछ सीख लेंगे। लेकिन कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जो कभी आ गई ना है, कभी ना कभी तो आई जाएगी। तो इसे भी ले जाए ना अपने साथ, अपने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। मम्मी तुम कैसी बात करो, वहाँ मेरे थोड़े बहुत पढ़े लिखे दोस्त आए। ओ भैया, पढ़े लिखे से का मतलब है? मैं कोई अनपढ़ आदमी हूँ भाई, मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में टॉप मारा मैंने, वो भी कतई हिंदी मीडियम से। पता नहीं यार तुमने अंग्रेजी को लेके क्या हुआ बना रखा है, हिंदी में पढ़ा लिखा बालक कोई छात्र ना होता है। मैं तो IAS IPS बने, मैं कोई बंदर हूँ तेरे दोस्तों के बीच में जाकर उनकी किताब छीन के खा जाऊंगा। भाई आना दिल तो सचिन भाई तोड़ गए, आरो दिल अब धोनी भाई तोड़ गए, अब क्रिकेट देखने में मजा ना रहा। भाई तुम भी कुछ मजा दिला दो यार, आधे घंटा से यहाँ बैठे हैं, कब चलेंगे कोचिंग? भाई सुन, मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने दो तीन चीज को पता नहीं लगना चाहिए बिल्कुल ही। एक तो मेरे पापा दूधिया है, दूसरे पतली सी गली में रह रहे हैं। मैंने अपना रुतबा बना रखा कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मैं फ्लैट में हूँ। अक्षय कुमार को भांजा और गोविंदा का मेरी बुआ का लड़का, गांव का चोरा, दिल को नहीं हड्डियों को तोड़ा,
साइकिल से लेकर चलाऊं हीरो होंडा माई सेल्फ बलराज का लोंडा क्या वो भी निकास के पापा की तरह इंडस्ट्रियलिस्ट है? कौन सी लिस्ट? नो नॉट लिस्ट, इट्स इंडस्ट्रियलिस्ट. यू नो वी आर कम फ्रॉम बिग फैमिलीज एंड मेरे पापा की टेलीकॉम की कंपनी है. मेरे पापा भी ट्रैवल मारते रहते हैं. सो ट्रैवल मारते रहते हैं. कौन से कंट्री में है? Right now my father Bajanpura market में है. Oh, और मेरे dad का transport का business है. So what does your father do? मेरे पापा जी इतने बड़े आदमी हैं. वो तो एक पुलिस में है, पुलिस में DSP. मतलब है किया है तो CBI में बता देता. वैसे भी जो पुलिस को करना चाहिए आजकल वो CBI कर रही है. पुलिस में है, कानून के हाथ. ये कौन आ गया? मतलब ये है तुम्हारी कोचिंग? मामू मैं दही लाया. मैं दही लेना है, तूने भेजा है ना? ये मिल्कमैन तुम्हें हाथ कैसे लगा रहा है? इसका उधार है क्या तुम पर? मैं चुप बाबू मैं इसका. What? Father, विकास तुमने उसे झूठ बोला. See Vimi, I told you कि विकास हमसे पहले से ही लो मार्केट करता है. सही बोल रहे हो कैसी, हमें इसको अपने ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए. वेरी लो क्लास लूजर. उन लोगों को कैसा फेस करूंगा? उन्हें सब पग लग गई की मैं अमीर फैमिली से ना हूँ. और इसकी डिग्री उम्र और गरीबी कभी भी ना छिपानी चाहिए. है तो है और वैसे भी ना अमीरी गरीबी देख के दोस्ती होती है. ऐसी दोस्ती फेक है. बात तो ठीक है पर उनकी उन्होंने बहुत बेइज्जती करी है. मैं उन लोग बदला जरूर लूंगा. तेरी तगड़ी इंग्लिश बोलूंगा कि बिल गेट्स भी रुक जाएगा. क्या बोला लड़के ने? अरे यार तू कितना बावड़ा आदमी, तो अपने इंग्लिश को लेकर इतना होगा क्यों बना रखा है यार? मैं तो है कितनी बार बताऊं, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज. अच्छा बोला है, जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज. मैं तो लोगों को कब से यही समझा रहा हूं, हिंदी में पढ़ा हुआ ज्ञान क्या ज्ञान नहीं होता? साइंस ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ो तो क्या काम नहीं आती? अरे चाचा तुम ज्ञान कम पेलो, रेस पेलो. अरे समझा, थोड़े से समझदार से तुम इंग्लिश. ऑफ कोर्स आई नो इंग्लिश, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश. और वैसे भी मेरे शॉटों में बहुत से फॉरनर बैठते हैं, बस उन्हीं से सिखाऊं मैं. मैंने तो अपनी बेटी को भी सिखा दी है, 10वीं में 3 बार फेल हुई है लेकिन अंग्रेजी एकदम ललन टॉप. देखो इंग्लिश जानने के साथ साथ उसे बोलने का सलीका भी आना चाहिए. ठीक है, दोनों में साथ बोलो. रोंडा पेबल पुट हर पेन ऑन द टेबल. Randy Orton put her pen on the table. Randy Orton नहीं, सही से बोलो. Rhonda. Londa. बताओ क्या Londa? अरे Londa नहीं बाबा. Londa. Rhonda. Hero Honda. Londa. Rhonda Fable put her pen on the table. Yes. Very good. बहुत सही बोला. अरे माल नहीं मॉल. पार्क नहीं होता पार्क. और तुम्हारा ये बिस्कुट नहीं होता बिस्किट. बिस्कुट नहीं बिस्किट. व्हाट इज टुडे टॉपिक? टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे. टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे. अरे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है. सुबह को सो रही थी, अभी उठी होगी, उसे मैं वीडियो कॉल करके आ रहा हूँ. रुको. हैप्पी बर्थडे डियर. पता नहीं क्या है ना.
हैप्पी बर्थडे बेटा। ओहो पापा, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू डोंट कॉल वो लड़का। हां वो लग रही है, वही है क्या? पता नहीं, उनमें से कोई है। देयर आर यू, वही है। इट्स माय बर्थडे। तुम लोगों का हमेशा परेशान है, जैसे कुसुम लता कहती है, अमित बड़ा ना थोड़ी ना हूँ, अमिताभ बच्चन शीशे के होते हैं ना, तो दूसरे के घर होते हैं। पत्थर तो बहुत छोटी चीज है, तो पूरे का पूरा पहाड़ बैठ देते छोटे पहनने से, दो चार शब्द अंग्रेजी के मारने से, अमीरी गरीबी से इंसान अच्छा थोड़ी ना हो जाता है। सच्चा होने से इंसान अच्छा हो जाता है। मेरे पिताजी किसान है, मैं खुद एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं समाधान ही ये बताने में, फिर तुम्हें किस बात की शर्म ये बताने में कि तुम एक ऑटो वाले की लड़की हो। Vimlesh, happy birthday, beta. Oh, so, Papa, how many times have I told you, don't call me Vimlesh. I am Vimi. Beta, I just call you to wish you happy birthday. इसका मतलब विमी है तो वो विमलेश 420 है। मेरे दो नए दोस्त बने हैं, अब मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। Come on, Papa. ये बस इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके दोस्तों से मिलूँगा। तेरे हाईफाई दोस्त दसवीं में 3 बार फेल है, वही गांव की लड़की है। कब तक इस नकली दुनिया में रहोगे? कब तक इन लोगों के चक्कर में नकली बनते रहोगे? अरे निकलो इस दुनिया से। माना तुम दसवीं में 3 बार फेल हुई हो, लेकिन टैलेंटेड तो तुम हो, क्योंकि तुमने भाषा सीख ली। उससे भी ज्यादा टैलेंटेड और समझदार तुम्हारे पिताजी हैं। तो ऐसे पिताजी की कदर करो ना, लेकिन ये तो भाषा से जज करना है ना। अरे कोई सी भी भाषा हो, कोई भी सीख लेता है, प्रैक्टिस का खेल है। मैंने सीख ली 2 हफ्ते में। आपकी भाषा में बोलूं तो आई एम नॉट फेक, अगर मैं अपनी बात करूं तो अमीरी गरीबी देख के कभी नहीं लाई जा रही। कपड़ों से जज करना है बड़ी गंदी बीमारी। मैं हूँ यूनिवर्सिटी का टॉपर, आप और आपके दोस्तों की तरह नहीं हूँ। किसी को मैं बताता हूँ ना, हुआ क्या कुसुम लेता, दूध चाहिए था पार्टी के लिए, तो विमी का हैप्पी बर्थडे है, समझ गया ना हरीस, इसलिए दूध लाया हूँ। अब क्या ही तुम्हारा जन्मदिन बेकार करो, हैप्पी बर्थडे अंकल जी, नमस्ते बोलना भाई को सुन लाता। आज मैं क्या करता हूँ, इतनी सारी पोल खोल दूंगा और इतनी बेइज्जती मारूंगा ना इंग्लिश में। दिमाग सूझल थोड़ा सा, क्या उसकी पोल खुलेगा यार दुनिया के सामने, वो ऊपर से नीचे तक खुद फेंक है यार। मुझे उसके पापा पे तरस आ गया यार, लेकिन तेरे लिए आज उससे बात जरूर करूंगा। स्लो मोशन रखो यार, तुम्हें क्या लगा बदला लिया जाएगा? हर बार बदला ना लिया जाता है, कभी कभी बदलाव भी लाया जाता है। इसका जन्मदिन कल मेरा है। हेलो पापा, आप मेरे बर्थडे पे नहीं आओगे? पिक्चर अभी बाकी है वेदो। हाँ चाहिए लोन। पापा क्या करते हैं? पापा दूध आए मेरे, कोई दिक्कत आ गई क्या? ठीक है तो आ जाओ। सो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया था। और कितने सारे हम लोगों ने देखे हैं, मतलब जो टॉप यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, और मैं कहूँगा इनका मैं जब भी देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है वीडियो में। आप कितने सारे वीडियो देखते हैं, वो टाइम पास होते हैं, किसी की खिल्ली उड़ा दी, किसी का क्रिटिसिज्म कर दिया, इधर बोल दिया उधर बोल दिया,
छोटा मोटा स्किट कर दिया, मगर नेट रिजल्ट कुछ नहीं होता। आप देखें, आप आपका भी टाइम पास हो गया मगर आपकी इंप्रूवमेंट जीरो रही। जब ये करते हैं, मैं इनको जानता नहीं हूं, मुझे पता नहीं इनका बैकग्राउंड क्या क्या है, मगर जब भी इनके मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो देखे हैं टू बी फ्रैंक, उन 3-4 वीडियो में कोई ना कोई अच्छी बात बता के गए हमेशा। मतलब इनका वीडियो देखने से आपका टाइम बर्बाद नहीं होता, टू बी फ्रैंक। आप देख रहे हैं आपको कोई अच्छी बात पता चल रही है, जबकि वो बात अलग है कि हर इंसान अपने लेवल ऑफ मेच्योरिटी में आता है। कोई इंसान के लिए रिवीजन है ये कि जो इन्होंने बात की ये हमें ऑलरेडी पता था, रिवीजन है। कुछ लोगों के लिए आई ओपनर है जो ऐसा कर रहे थे और उनको मेरे को लगता है ये देख के मुझे पता नहीं कि वाकई चेंज होते हैं नहीं होते, बट ये डेफिनेटली एक उनको फीडबैक मिल रहा है कि देखिए आप सोचिए, कभी भी जो आप हैं उसके बारे में आप शर्मिंदा मत होइए। क्योंकि पहली दो बातें, पहली बात तो ये है कि जो भगवान ने दिया है उसके बारे में तो कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ रीजन। अगर भगवान ने आपको जो भी एट्रीब्यूट दिए हैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, और तुम्हें बाद में पता चलेगा जब तुम भगवान से मिलोगे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर तुमने उन चीजों के बावजूद बहुत जबरदस्त काम किया तो भगवान हो सकता है तुम्हारा टेस्ट ले रहा हो कि अगर मैं तुम्हें इस तरीके का रूप देता हूं, ऐसा बनाता हूं, तो तुम क्या करोगे। अगर किसी को मान लीजिए कोई सुपरस्टार बना दिया, बहुत ही स्मार्ट बना दिया, तो उसको उन लोगों का देखिए कि वो लोग नीचे ना जाएं, इतना मिनिमम उनका बार ऊपर है, अब उनको ऊपर ही जाना है, क्या वो जा सकते हैं? नहीं। जो लोग रेगुलर बना रहे हैं जिनमें कोई ना कोई खामियां हैं, फिर वो देखना चाहता है भगवान अब मैं तुम्हें कुछ नहीं अगर मैं देता या कम देता हूं तो तुम क्या करते हो जिंदगी में, मेरा ये सोचना है। अगर आपका कैरेक्टर जो है प्राइम है, आपका कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, आपने बुरा नहीं किया जानबूझ के, मजबूरी में कई बार जैसे बोलते हैं व्हाइट लाइज आप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा इंसान भागता हुआ आ रहा है और छुपने की जगह मांगता है, आप उसे बोलते हैं यार छुप जाओ, गुंडे आ रहे हैं, अब वो बोलते हैं कहाँ है, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो कहीं और चले जाते हैं। तो आपने झूठ तो बोला क्योंकि आपने बताया नहीं वो कहाँ है, मगर आपने ये व्हाइट लाई है क्योंकि आपने उस इंसान की जान बचाई है। अब कई लोग कहते हैं कि ये डिफरेंस है भगवान राम और भगवान कृष्ण में। अब आप अपने अपना डिबेट करिए, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्णा इस टाइप के थे स्मार्ट कि तुमने जो है ओके उसको बोला हार्मलेस झूठ बोला कि उधर चले जा, मगर एक इंसान की जान बचा दी। भगवान राम होते हुए बोलते ये है यही पर है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, राइट। तो थोड़ा अंतर है क्योंकि ये आगे आगे जाके जब कलयुग में आते हैं, मतलब सतयुग था भगवान राम के बारे में, सतयुग था सब अच्छा था, जब कलयुग में है तो आपको चतुराई से जीना पड़ेगा परंतु अच्छे काम करते हुए। अब यहां पे इनकी वीडियो बहुत अच्छी है और पॉइंट यही था, गॉड गिवन की बात नहीं है। दूसरा, आपको जो भी अगर कभी भी अगर कोई इंसान गरीब है तो उसकी फॉल्ट नहीं है, आपकी फॉल्ट नहीं है, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, आपके फादर जो है गरीब थे, उन्होंने पूरी जान लगाई होगी, उनकी परिस्थिति ऐसी होगी, किसी को एजुकेशन नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, लाइफ में कोई कंस्ट्रेंट रह गए, किसी घर में कोई फादर को डिजीज होती है, कोई इंजर्ड होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, तरह तरह से, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और भगवान चेक करे तुमने क्या किया, इसलिए मैं तो कभी भी जिंदगी में मैंने कभी किसी को ऐसे मतलब छुपाया नहीं मैं कौन हूं। हम स्कूल भी जाते थे तो स्कूल थोड़ा अमीरों का था और हम स्कूटर में जाते थे, कभी जो है मैंने जिंदगी में अपने फादर को नहीं बोला, मैंने बोला दरवाजे के मतलब गेट के सामने ही रोको, स्कूटर में हम निकलेंगे, शांत से निकलेंगे, हमने कोई जिंदगी में बुरा नहीं किया है। दूसरे लोग अगर आते गाड़ी में, लेट देम कम इन गाड़ी, वो उनकी प्रॉब्लम है, मगर हमारे में हम अपनी कैरेक्टर के पावर से जा रहे हैं और जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको बीट करेंगे उनके मैदान में, फिर तुम्हें दिखाते हैं तुम क्या कर लोगे, उनको पता लगेगा गरीब का आदमी जो है तुमसे आगे निकल गया, ठीक है। तो लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको चारों तरफ से घेर के भी प्रॉब्लम्स आए, सच्चाई पे चलते रहो, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली टेम्परेरी है बॉस, जब जाने का समय आएगा, जो अमीर लोग होते हैं जाने के समय जिन्होंने बुरे काम किए, अमीर अच्छे तरीके से भी हो सकते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो अच्छे तरीके से अमीर हुए हैं, मगर जो बुरे तरीके से हुआ है जाने से पहले उसको बहुत दुख होगा कि अब मेरा टाइम आ गया, अब जाने का, मैंने पूरी जिंदगी में देखो तो सब बुरे काम ही किए हैं, किसी को लूटा, ये लूटा, वो लूटा, अपना पैसा इकट्ठा किया, उसको साथ तो लेके जा नहीं सकता, वो सारा पैसा अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, बच्चे ऐश करेंगे, मैं तो ऐसे बैठा रह गया, राइट।
तो ये पॉइंट उसकी भी नहीं है कि ऐश कौन करेगा। पॉइंट ये था कि आपने एक्वायर किया मनी गलत तरीके से। अगर आपके पास कुछ कम पैसे होते मगर आपने एक्वायर किया होता ठीक तरीके से, तो आप बहुत खुश होते कि देखो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरे बच्चों को जितना हो सकता मैंने दिया। अगर आप ज्यादा देते तो भी बच्चों को बिगाड़ देते हैं, राइट। अगर आप बहुत काम करते हैं बच्चों का कई, तभी आप देखिए कि जितने भी रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैं उनके बच्चों की अचीवमेंट देखिए। मैं बोलूंगा नहीं, आपको देखिए जितने भी रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, जो आप टॉप जो है 20 रिचेस्ट पीपल देखिए, आपको ये आश्चर्य होगा कि उनके बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं किया लाइफ में, कुछ ज्यादा इन्वेंशन नहीं किए, कुछ ज्यादा कंपनीज नहीं खोली, वो सिर्फ अपने जो फादर का जो बिजनेस है वो चला रहे हैं, बस दैट्स इट। और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऐसे हैं जो उतना ही रखेंगे या डुबा देंगे, बहुत कम होते हैं जो उससे भी ऊपर लेके जाएंगे। आप देखिए रिसर्च करिए, मैं कर चुका हूं इसके ऊपर से। तो पॉइंट ये है क्योंकि उनको हार्डशिप नहीं मिली, उन्होंने खुद लाइफ में हार्डशिप नहीं की, वो अमीरों की तरह पैदा हुए, अमीरों जो उनको कभी डिफिकल्टी आई नहीं, उससे एक्सपोजर नहीं हुआ लाइफ का, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। मगर अगर वो इंसान अच्छाई से जी रहा है तो भी ग्रेट है। मगर मेरा एग्जाम्पल ये है कि जो लोग इतने स्ट्रांग बनते हैं वो बहुत ही फाइटिंग करके ऊपर उठते हैं। कई बुरे काम करते हैं उनको पता है, कई अच्छे काम करते हैं, और मैं उन लोगों के साथ हूं जो अच्छे काम करके आगे बढ़ते हैं। और अच्छे काम करके आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ में। जितने भी अमीर लोग हैं उनकी देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं आपको कुछ घपला नजर आएगा। बहुत कम लोग हैं लाइफ में जो अच्छे कामों से ही आगे बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अमित बधाना जो है बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं विद ब्यूटीफुल मैसेज। तो ये जो यंग जनरेशन है जिनको शो ऑफ करने का पड़ा है कि उनको लगता है कि बाकियों के जो फैमिली है वो हमसे बेटर है, अमीर है, तो वो अपने पेरेंट्स के से शर्मिंदा हो रहे हैं, उनको दिखाने की कोशिश करके नहीं, मेरे फादर का जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट है। कि अगर कोई दूध वाला है उनका फादर या ऑटो चलाने वाला है जिसने इतनी मेहनत करके तुम्हारे को बड़ा किया है, तुमको सब कुछ दिया है, और तुम उसको उनको बोल बताने में अपने फ्रेंड्स को कि उनसे इंट्रोड्यूस करने में अपने पेरेंट को तुम्हें शर्म आ रही है, या ये बताने में कि वो क्या करते हैं वो आपको उसमें शर्म आ रही है, तो वो उसका उन्होंने एक मैसेज दिया है कि क्यों शर्म आ रही है, आपको तो प्राउड होना चाहिए कि इतने मतलब कम पैसों में भी आपके पेरेंट ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना प्यार दे रहे हैं, आपको इतना ध्यान रख रहे हैं, तो आपको तो प्राउड होना चाहिए। और आपको अपने पेरेंट्स की मेहनत देख के, बल्कि खुद मेहनत करके फिर मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, और वो अचीव करके अपने पेरेंट्स को फिर एक अच्छी लाइफ दो जिन्होंने इतनी मेहनत की आपके लिए, और दिखाया कि भाई वो खुद ही यूनिवर्सिटी टॉपर है। उन्होंने ये भी दिखाया कि इंग्लिश जो है स्पीकिंग वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, वो एक भाषा ही है। अगर कोई इंग्लिश में ना पढ़ के हिंदी में पढ़ाओ, सब्जेक्ट्स तो वही है, मटेरियल तो वही है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने यही दिखाया कि एक तो इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं इतनी देनी चाहिए कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती। बहुत ही अच्छा मैसेज था, यही हमारी भी सोच है कि इतना इंपॉर्टेंस इंग्लिश को किसी कोई एक लैंग्वेज को देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये तो सोच ऐसी बना दी गई है पता नहीं कैसे कि भाई जिसको अंग्रेजी आती है वो ज्यादा स्मार्ट है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसमें दिखाया कि भाई वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे जबकि उन्होंने इंग्लिश में नहीं किया था, हिंदी में पढ़ाई की हुई थी। तो इससे साफ पता चलता है। और साथ में ये भी बहुत अच्छा मैसेज था कि आप क्या हो उसको छुपाओ मत, आप कौन सी फैमिली से आए हो, बल्कि अगर आप छोटी फैमिली से आके हाई अचीव कर रहे हो तो आपकी तो वाहवा होगी। हम लोग तो बहुत करते हैं जब हम न्यूज में सुनते हैं कि एक ऑटो वाले या रिक्शा वाले, इतना न्यूज आती है इंडिया में कि एक रिक्शा वाले की जो बेटी है वो टॉपर बन गई, या इस फलाना फलाना जो है फुटपाथ पे लाइट के नीचे बैठ के दिन रात पढ़ के उसने टॉप किया, तो हम तो बहुत खुश होते हैं, हमें तो लगता है वाह क्या कमाल किया है। तो वही वो कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज था, मजा आ जाता है इनकी वीडियो देख के, और दिल को एक अजीब सी खुशी भी मिलती है कि कितना सुंदर बनाया है वीडियो। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये पसंद आया होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।